Assalamualaikum everybody, क्या हाल चाल है आपका। एक ब्रांड न्यू व्लॉग में वेलकम करते हैं। शादी ब्याह का सीन चल रहा है और हम लोग तो तकरीबन दूल्हा दुल्हन की तैयारियां ही पिछले 10-12 दिन से करवा रहे थे। अपनी तैयारियां तो हम लोगों ने की नहीं है, इसीलिए आज उनका इवेंट है मेहंदी का, तो मैं और कंवल आए हैं। बस एक आधी चीज हमारी जो रह गई थी वो पूरी करने के लिए। मेरी एक आधी चीज में मेरे कपड़े हैं क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं है और आज मेहंदी है, और कंवल की एक आधी चीज में बस उसकी ज्वेलरी है। तो अभी सबसे पहले मैंने कहा कि कंवल की जो चीज रहती है वो पूरी कर दूं, बाद में मैं अपने कपड़ों शपड़ों के लिए चला जाऊंगा। और आज आपका भाई ये अपनी शहजादी गाड़ी मर्सिडीज लेकर घूम रहा है। यार इस गाड़ी की ना सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज बहुत जबरदस्त है यार। मतलब शहर के अंदर 15 से 16 किलोमीटर पर लीटर में ये फ्यूल एवरेज देती है गाड़ी। इतनी जबरदस्त फ्यूल एवरेज है ना यार। और इसकी निस्बत अगर मैं अपनी दूसरी गाड़ी की बात करूं तो वो बस 7-8 किलोमीटर करती है एक लीटर में। चूंकि ये गाड़ी मेरी बचत करती है इसलिए ये मेरी शहजादी गाड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, मैंने भी अंदर आना है। बेगम मेरी जा चुकी है, मैं बाहर अकेला खड़ा। दरवाजा खोल दो प्लीज। थैंक यू सो मच। कमल को तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था इसलिए मैंने अपने भाई को बुला लिया है, जलाल को, कि यार गाड़ी लेकर आ जा ताकि हम लोग अपने काम कर लेते हैं और मेरी बेगम अपने काम कर लेगी। इसीलिए फिर अभी मैं इस गाड़ी को इधर ही छोड़कर जा रहा हूँ कमल के पास। बस अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करे और मैं जलाल के साथ जा रहा हूँ। नहीं मैं नहीं भाई, मैं चला नहीं रहा, तू ही चलाएगा। मैं गाड़ी चलाने से भागता हूँ। सबसे पहले आ चुका हूँ डेंटिस्ट के पास, बिकॉज आज मेरी डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट थी। ये वायर शायद चेंज करेंगे क्योंकि ये जो मेरे ब्रेसेस की वायर है ना ये हर 15 से 20 दिन बाद चेंज होनी होती है। अभी मैंने डेंटिस्ट को चेक करवा लिए और उन्होंने कहा है कि बेटा अपने दांत सही तरह से साफ कर लिया करो। मैंने कहा सही तरह से ही मैं साफ करता हूँ। उन्होंने कहा फिर एक गंद की फंसाया। फिर मैंने कहा कुछ ब्रश के अलावा सजेस्ट कर दी, ब्रश तो मैं करता ही हूँ यार। तो उन्होंने ये मशीन मुझे दी है जो कि सिस्टर बता रही है कि ये बहुत सस्ती है, 20,000 ओनली की। मुझे ओनली नहीं हजम हुआ, बस 20,000 तो हजम हो गया। फिर मैंने कहा कि इसके मतबादल कोई चीज बता दे जो कि सस्ती हो। उन्होंने ये बताया है, अभी इसको मैं फार्मेसी से खरीद, आपके पास नहीं है? चलो सही है, मैं फार्मेसी से खरीद। गरीब बंदे ये 20,000 नहीं अफोर्ड कर पाए। थैंक यू सो मच। अपने कपड़े अभी सिलेक्ट करने के लिए आ गया। ये कुर्ता मैंने पहन कर चेक किया, ये जरा साइज में बड़ा है इसलिए अब कोई छोटा साइज ट्राई करता हूँ। इससे छोटा नहीं है? नहीं। एक ही पसंद आया था, उसमें भी साइज नहीं है। कलर चेंज कर लो यार, वो नहीं अच्छा लगेगा। बहुत जी, एक ये कलर है इसमें लेकिन ये ऑलरेडी प्रिंटिंग वाला है, ये अच्छा नहीं लगेगा। ये दिखाओ, भी अच्छा है। हाँ ये दिखा दे, ये वाला ट्राई करता हूँ। ये अच्छा लग रहा है अभी भाई, बस ठीक है को डन करूंगा। चलें जी, कपड़े अपने हो गए हैं डिसाइड, अब इनको लेकर जाऊंगा सीधा। रास्ते में अपने खाने के लिए गोला ले लिया ताकि थोड़ी ठंडे ठार और दिल बहार होने के बाद जाएं घर। कभी ये क्या किया यार गोले का? ये उड़ के नीचे पता नहीं मेरे दिमाग में क्या दी बात आ रही थी, मैं नहीं कर रहा बस।
यार मुझे भी ना अपने दिमाग का इलाज करवाना पड़ेगा, बिकॉज मैं घर पहुंच गया हूँ और जलाल को मैंने कहा है कि तुम जाओ, तुम भी रेडी शेडी होकर आ जाओ, तब तक मैं भी रेडी होता हूँ। और मैं खाली हाथ अपने घर चले गया था, घर जब अंदर गया हूँ तो याद आया कि कपड़े शपड़े सारी चीजें तो जलाल की गाड़ी में। अब उसको कॉल करके मैंने बुलाया कि यार आना, मैं कपड़े भूल गया। वो बेचारा अपने अपार्टमेंट पहुंचने वाला था, अब आधे रास्ते से वापस आ रहा है मुझे कपड़े देने के लिए। बेचारा दे गया मुझे वापस कपड़े। अब बस जाता हूँ और रेडी शेडी होकर आपसे मिलता हूँ। ओके अभी जी, आपका भाई हो चुका है रेडी और निकलेंगे इवेंट की तरफ। और पता है ना, बंदा ज्यादा प्यारा लग रहा हो तो माए और बड़े जो बुजुर्ग होते हैं वो तो काला टिक्का लगा देते हैं, लेकिन मेरी बेटी ये करती है कि जब भी उसका वालिद बहुत प्यारा लग रहा होता है ना, तो वो इस तरह का कुछ निशान ना मेरे कंधे पर या मेरी गोद पर छोड़ देती है, ताकि मेरे कपड़े थोड़े बहुत गंदे गंदे दिखे। ओए होए 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 होए, मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। उसकी मामा इतनी ज्यादा तैयार होने के बावजूद भी मेरी बेटी जैसी नहीं लग रही। प्यारी लग रही, माशाल्लाह तुम भी। ये लो चले जी, आओ आओ बैठो बैठो चले। अपनी तरफ से तो घर से जल्दी निकले थे, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद पता चला है कि सबसे आखिर पर ही हम लोग आ रहे हैं। भाई तुम कराची से लाहौर यहाँ शादी के लिए आए हो? क्यों? आपसे मिलने के लिए आया। मेरे से मिलने के लिए आओ? क्या यार, चुम्मी बात आदमी है ये। मैं जुल्कन का डांस देखने के लिए आया हूँ यार, दिल खुश कर दिया। थैंक यू सो मच। अब वापसी की टिकट के पैसे तूने मेरे से बिल्कुल नहीं लेने, ठीक है? मैंने करा के आया हूँ। अच्छा, यहाँ पर तो सारे गेस्ट आ चुके हैं। यार आज मेरी डांस परफॉर्मेंस है, तो उसके लिहाज से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जिंदगी में मैं दूसरी दफा ऐसे डांस परफॉर्मेंस करूंगा किसी शादी पर। पहले मैंने अपनी शादी पर डांस परफॉर्मेंस की थी, और उसके बाद सैर समी की शादी पर डांस परफॉर्मेंस करूंगा। अब मुझे थोड़ा थोड़ा डांस याद भी है, थोड़ा थोड़ा भूल भी रहा है। अब देखते हैं कि स्टेज पर जाकर याद रहता है या भूल जाएगा। नहीं, डांस नहीं, डांस नहीं। ये क्या किया? चप्पल क्यों उतार दी है? क्योंकि डांस करना है। अभी खाना खाना है पहले। मैंने पहले ही चप्पल उतार दी है। मैंने खाने के लिए रोटी, पकड़ने के लिए, भागने के लिए जूता उतार दिया। क्या, क्या कह रहा था कि मैं केला नहीं खाऊंगा? वह मेन्यू में नहीं है। मैंने कहा अकेला 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 इतना बोला करना। या अभी एक्सेल में क्यों बोलता है? कहता मैं केला नहीं खाऊंगा। मैंने कहा मेन्यू में है ही नहीं केला यार। चले जी, हम लोग बैठ चुके हैं और डांस परफॉर्मेंस शुरू हो गया। Yeah.
इसको पीछे से और अभी होने जा रही है जी प्राइड की परफॉर्मेंस। सबने रोना शुरू कर दिया। तुम भी रो रहे हो। सारे रो रहे हैं। ब्राइड की परफॉर्मेंस ने तो सबको रुला दिया। तुम लोग क्यों रो रहे हो? तू इसलिए रो रही है क्योंकि तेरे पास मुझे रुला नहीं पड़ेगा। मैं बोरिया पे से उठा के वापस चली जाऊंगी। तेरी वजह से मेरा घर खराब है। सारा मेकअप खराब और तबाह बर्बाद कर लिया। Oh,
चलो जी शो खत्म। ओके टाटा बाय 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 बाय। इतना प्यार तुझको ससुराल मिले, बाबुल की दुआएं ले जा यार। अब आप भी अपने भाई को दे आज के व्लॉग से इजाजत। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक द वीडियो और अच्छे अच्छे कमेंट। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.